पर घोटाला चल रहा है। आपको बता दें कि सड़कों पर के किनारे गैस पाइपलाइन, पानी पाइपलाइन, बिजली केबल आदि डाले जाने के नाम पर बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा बनाए गए सड़कों के किनारे सड़क कटिंग के नाम पर बंदरबांट की जा रही है, जिसके चलते सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। के न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी विभागों में तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। हमने आपको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के घोटाले की खबर दिखाई, आज हम दिखाएंगे आपको पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग के घोटालों की। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पीडब्ल्यूडी विभाग परमिशन के नाम पर अवैध उगाही करते हैं, और जो सड़क की जो कटिंग की बात करते हैं, जो तमाम जो सरकारी काम होते, चाहे पाइपलाइन की लाइन डालने का काम हो, चाहे बिजली विभाग का काम हो, चाहे पानी की लाइन का, जिसके नाम पर सरकारी विभाग अनुमति देते हैं और उसके बदले में लाखों की कीमत वसूल करते हैं और उस सड़क के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद लोनी मंडौली रोड पर, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो परमिशन दी गई थी, जो अनुमति दी गई थी, अब तक यहां पर 3 गैस लाइनें डल चुकी हैं और जो ठेकेदार हैं वो गड्ढे को करने के बाद यहां से चले जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह सड़क के किनारे गड्ढे हैं और इन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, धूल है, वहीं दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन उससे अलग अगर हम बात करें तो बड़े घोटाले की तरफ संकेत दे रहे हैं। हमने कई बार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते हुए कह रहे हैं कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करा देंगे, लेकिन तमाम ऐसे गड्ढे यहाँ पर मौजूद है जिन गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया है। आपको बता दें कि जो पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग जो इन ठेकेदारों से वसूल करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस सड़क को निर्माण करे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के चलते जो तमाम अधिकारी हैं केवल कमीशन के रूप में काम करते हैं और जो ठेकेदार हैं वो अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जिसका जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ता है। बड़ा खेल इस परमिशन के नाम पर किया जाता है। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। और प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता देते हैं।